स्टूडेंट्स वेलकम यू ऑल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। चलिए डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आपको क्लियर कराते हैं। लेट्स स्टार्ट। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है गुरुजी बताएंगे। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव द वर्ड्स दैट पॉइंट आउट द पर्टिकुलर नाउन। माय डियर स्टूडेंट्स दिस इज द क्लियर डेफिनेशन फॉर यू ऑल। द वर्ड्स दैट पॉइंट आउट द पर्टिकुलर नाउन यानी एक ऐसा वर्ड होता है, ऐसा वर्ड जो किसी विशेष पर्टिकुलर नाउन को, किसी विशेष नाउन को यानी जो हमारे पास पर्टिकुलर है, विशेष है, किसी विशेष नाउन को यदि पॉइंट आउट करता है, दर्शाता है, ऐसा शब्द जो किसी विशेष नाउन को दर्शाता है उस वर्ड को क्या कहते हैं, उस वर्ड को डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का क्या मतलब होता है गुरुजी, बिल्कुल बताएंगे। इसका मतलब होता है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक यानी आप नाम से ही जान रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है, संकेतवाचक यानी जो संकेत करता है, इशारा करता है। तो अब देखिएगा कि हमारे पास ये भी एक नाउन है। मान लीजिए मेरे पास में ये नाउन गर्ल है, ये नाउन मेरे पास में बॉय है, ये नाउन मेरे पास डॉग है, ये नाउन मेरे पास एक फ्लावर है। तो ये अलग अलग प्रकार के नाउन हैं हमारे पास में। तो कोई भी ऐसा वर्ड यदि मान लीजिए एक वर्ड ने किसी एक विशेष नाउन को पॉइंट आउट किया है, दर्शाया है, मान लीजिए मैं इन सब नाउन्स में से केवल गर्ल को दर्शाऊं, ये वर्ड केवल गर्ल को दर्शाता है, तो ये वर्ड फिर क्या कहलाता है, ये वर्ड फिर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये बात आपकी समझ आनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। मैं क्या कहना चाहता हूँ, द वर्ड्स दैट पॉइंट आउट द पर्टिकुलर नाउन यानी विशेष नाउन को दर्शाने वाला शब्द डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। अब देखिए तो यहाँ पर ये देखिए स्टूडेंट्स, दिस दैट दिस दोज सच, ये इस प्रकार के वर्ड हैं जिनको हम डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। आपके माइंड में थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा कि सर आपने तो ये हमें बताए थे प्रोनाउन बताए थे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, बिल्कुल बताए थे। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है आज की क्लास में बिल्कुल आपका क्लियर होने वाला है। आप देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में ये क्लियर कंसेप्ट है हमारे यहाँ। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब होंगे, ये वर्ड जैसे मैंने आपको बताया है दैट, मैंने बताया आपको दिस, दीज, दोज और एक और वर्ड है सच, तो ये वर्ड बिल्कुल डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब होंगे, यदि इन वर्ड्स के बाद तुरंत नाउन आता है तो ये वर्ड फिर क्या कहलाते हैं, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ये कंसेप्ट है आपके सामने, ये आपको समझ लेना है कि कब ये वर्ड दिस दैट दिस दो सच कब ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, जब इनके तुरंत बाद नाउन आता है तब ये डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। क्वाइट क्लियर फॉर यू। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, मैंने कहा दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है, That horse is yours. यह घोड़ा आपका है। These pens are very cheap. ये पेन बड़े सस्ते हैं। Those mangoes are sweet.
वे आम मीठे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दिस दैट दीज दोज, इनके तुरंत बाद यहाँ पर देखिए पेन आया है, यहाँ पर देखिए हॉर्स आया है, यहाँ पर पेंस आया है, यहाँ पर मैंगोज आया है। तो ये सभी नाउन हैं। तो नाउन का यूज जब इनके तुरंत बाद हो रहा है तो फिर ये कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं, ये फिर हमारे आ जाते हैं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर दिस क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, दैट क्या होगा, दीज क्या होगा, दोज क्या होगा, ये सभी के सभी डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। ये आपके सामने क्वाइट क्लियर कंसेप्ट है। अब बात करेंगे थोड़ा सा, ये भी आपको समझ लेना है कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहाँ पर होते हैं। गुरु जी बिल्कुल बताएंगे कहाँ पर होते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ और एग्जांपल के साथ आपको क्लियर करा देते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में ये कन्फ्यूजन अभी भी हो रहा होगा कि सर यही शब्द बिल्कुल आपने बताए थे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में और यही शब्द आप बता रहे हैं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। तो ये मैंने आपको क्लियर कंसेप्ट के जरिए बता दिया है कि डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये वर्ड कहाँ पर होंगे, जब इनके तुरंत बाद नाउन आता है, कोई भी नाउन एकदम से तुरंत बाद आ जाता है दिस के, दैट के, दीज के, दोस के और सच के, तो फिर ये सभी क्या कहलाएंगे, ये सभी के सभी फिर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। और यदि नाउन नहीं आता है तो नाउन नहीं आने पर फिर ये हमारे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में चले जाते हैं। तो आप देखिए बिल्कुल क्लियर आपको समझ लेना है कि कहाँ पर, सॉरी, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहाँ होगा और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहाँ होगा, बिल्कुल बताएंगे गुरुजी। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक मैंने कहा दिस बॉय इज माय ब्रदर, दिस बॉय इज माय ब्रदर, यह लड़का मेरा भाई है। तो बिल्कुल इजीली आपको समझ लेना है कि मैंने आपको बताया है कि अगर नाउन इस इन शब्द के बाद आ जाता है तो यहाँ पर नाउन आया हुआ है, आप देख रहे हैं नाउन बॉय यूज किया गया है, तो दिस वर्ड के तुरंत बाद बॉय आया है, नाउन आया है, तो ये फिर दिस कौन सी कैटेगरी में आ जाता है, ये फिर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में आएगा। बिल्कुल आपको समझ लेना है कि अगर इसी वर्ड के बाद यानी दिस के बाद नाउन नहीं आता है, मैंने इसको हटा दिया यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर यूज नहीं करूँगा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ दिस इज माई ब्रदर, तो यहाँ पर देखिए नाउन को हटा लिया गया है, कोई नाउन यहाँ पर नहीं है। तो जब नाउन नहीं है तो ये कौन सी कैटेगरी में चला जाता है, ये दिस फिर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में चला जाता है, और यहाँ पर ये वाला दिस डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में चला जाता है क्योंकि इसके तुरंत बाद नाउन का प्रयोग किया गया है। तो दिस इज द वेरी सिंपल कंसेप्ट फॉर यू ऑल, यहाँ पर बिल्कुल आसानी से आप पढ़ लेंगे। इसी प्रकार से मैंने कहा दैट गर्ल वॉज वाइज, वह लड़की बुद्धिमान थी, और मैंने यहाँ पर ये देखिए नाउन का यूज किया गया है, नाउन हमारे पास दिया हुआ है गर्ल, तो दैट वर्ड के तुरंत बाद नाउन का प्रयोग किया गया है, तो दैट वर्ड किस कैटेगरी में आ गया है, ये फिर हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में आ गया है। मैंने इस नाउन को यहाँ से निकाल लिया, मैंने इसको ऐसे बोला कि दैट वॉज वाइज, वह बुद्धिमान थी, तो ये दैट क्योंकि इसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं हुआ है तो ये कौन सी कैटेगरी में चला जाता है, फिर ये हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में चला जाता है। इसी प्रकार से आप इन वर्ड्स के साथ भी देख सकते हैं, मैंने कहा दीज बॉयज वर प्लेयर्स, तो यहाँ पर बॉयज देखिए नाउन है, और जब नाउन आ गया है दीज वर्ड के बाद तो ये दीज वर्ड क्या होगा, दीज वर्ड होगा हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और यदि इस नाउन को हटा देता हूँ मैं, इसको ऐसे बोलता हूँ दीज वर प्लेयर्स, ये खिलाड़ी थे, तो
तो यहाँ पर नाउन का प्रयोग नहीं किया गया है, तो दी वर्ड क्या आ जाएगा, कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, ये प्रोनाउन की कैटेगरी में आ जाएगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे दोज और सच का यूज भी कर सकते हैं। आपके सामने बिल्कुल क्वाइट क्लियर कंसेप्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, कि अगर दिस दैट दीज दोज और सच वर्ड के बाद तुरंत नाउन आ जाता है तो वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, और यदि नाउन नहीं आता है तो वो फिर प्रोनाउन की कैटेगरी में चला जाता है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बड़े आसानी से बड़े इजीली आपको कंसेप्ट को क्लियर समझ लेना है। तो दिस इज द क्लियर कंसेप्ट बिफोर यू ऑल, और मैं आशा करता हूँ, आई होप दैट आपकी समझ आ गया होगा, क्लियर कंसेप्ट आप समझ चुके होंगे। और आज की क्लास में इतना ही है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।